एवरीवन, सो हियर आई एम इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिकली आई विल बी टीचिंग यू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज द मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द वेरियस टर्म्स सच एज लेट्स टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग फर्स्ट. What is actually the meaning of engineering? You might have heard this many times during your induction sessions, but since when we are talking about जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं electrical engineering की, तो क्यों ना हम इस engineering शब्द से start करें. तो मैं आप सबको बता दूँ कि जो term engineering है, ये एक Latin word ingenium, जिसका मतलब होता है cleverness, और ingeria meaning contrive डिवाइस, मतलब नई चीज़ों को फॉर्मेशन करना ही हमारा इंजीनियरिंग कहलाता है. इंजीनियरिंग एक साइंटिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिज़ाइन करने के लिए, मशीन्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, जैसे कि ब्रिज हो गए, टनल्स हो गए, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए काम करता है. ये जो इंजीनियरिंग है, ये बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसके हर एक स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस और टाइप्स, उसके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. तो ये तो था हमारा इंजीनियरिंग का मीनिंग और इंजीनियरिंग का कंसेप्ट. अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है जिसमें कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, सिस्टम्स हैं, इन सारे के सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं. ये एक ऑक्यूपेशन के रूप में आया 19th century में, जब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का कमर्शियलाइजेशन हुआ, टेलीफोन का कमर्शियलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ होना चालू हुआ. जैसे कि हम इस फोटो पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टर है, एक बल्ब है और एक स्पीकर है, जो कि जिनके बहुत अलग अलग लेवल के अपने अपने कार्य होते हैं. नाउ जो मैं आप सबको सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग. और ये जो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 224311. अब लेट्स कम टू द स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गाइस. ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कीम है थर्ड सेमेस्टर का, इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो 5 आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं. इसमें जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग हर एक छोटी छोटी बारीक से बारीक बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे. इसके एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 100 नंबर्स का होता है. इसमें सीटी जो आपका क्लास टेस्ट होता है वो 20 नंबर का है, टीए 10 नंबर का है, और आपको मैं बता दूं कि जो क्रेडिट पॉइंट्स इससे मिलेंगे ये 4 पॉइंट्स के क्रेडिट रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड होता है जब हम लोग अपनी CGPA की बात करें. इसके साथ साथ गाइस इसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैब्स को भी हम लोग देखेंगे, जो कि वो भी कंप्राइज करता है 50 मार्क्स का उसका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, 20 नंबर का उसका TA है, तो टोटल मिला के 70 पॉइंट मिल जाते हैं, और इसके क्रेडेंशियल्स हैं 2 मार्क्स के. सो ऐसे करके हम लोग इस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे. और लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द एज़ पर द यूनिवर्सिटी. तो एज़ पर द यूनिवर्सिटी जो सिलेबस एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसमें टोटल 6 हमारी यूनिट्स हैं, जो कि 6 यूनिट्स में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, मैग्नेटिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है. अब देखिए जो ड्यूरेशन है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को, 3 घंटे का होगा. तो अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम लोग देखें तो ये इस कोर्स के इंक्लूड करने का ज़रूरत इस कारण पड़ी क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमको पता चल सके, हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ को समझने की कोशिश करें.
इसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर को हम लोग अगर डिटेल्स में जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, AC और DC कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ओमिक वैल्यू के बेस में उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, रियोस्टेट का लेबोरेटरी में यूज़ क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इसको हम लोग एकदम डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, उसमें हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ को देखेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में हम लोग कैसे कैपेसिटर का कंसेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सप्रेशन कैसे कैपेसिटेंस का आएगा, कैसे एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, उसका डेरिवेशन, डायलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कैपेसिटर में कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया को हम लोग कैपेसिटेंस में इंक्लूड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, परमिटिविटी में क्या फ़र्क पड़ती है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारा चीज़। इसके साथ साथ फिर हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इंटरटर्न कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इन केबल्स क्या होता है, ओवर ट्रांसमिशन क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या है। जो लास्ट टॉपिक है वो AC एंड DC कैपेसिटर्स और उसके एप्लीकेशंस है। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो इंडक्टर्स का है, जिसमें कि सेम टू सेम हमारा इंडक्टर्स का क्या कंस्ट्रक्शन होगा, राइज एंड डिके ऑफ करेंट इन इंडक्टर कैसे होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कैसे होगा, फिर उसके डेरिवेशन को देखेंगे, नहीं उसके डेरिवेशन को नहीं देखना है हमको, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को देखना है, इंडक्टेंस इन AC एंड DC सर्किट्स कैसा होगा, मैग्नेटिक सर्किट्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, परमेबिलिटी क्या है, रिलक्टेंस क्या है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस EMF क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस EMF क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एप्लीकेशन फैराडेज लॉस क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स ऑन करंट करेंट भी कंडक्टर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बायोट सेवर्ट लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और इनका सबका न्यूमेरिकल है। इसके साथ साथ हम लोग को जो बुक्स रेफ़र करने हैं वो मैं जो रेफ़र करूँगा वो है BL तलेजा। देखिए रेफरेंस के तौर पर यूनिवर्सिटी ने तो खूब सारी बुक्स लिखी है, लेकिन जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वो है BL तलेजा। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैब्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फैराडेज लॉ है, लाइट एंड रूल, लेफ्ट एंड रूल, बिहेवियर ऑफ फ्यूज क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फ्लेम्स, पावर, करंट, वोल्टेज, डिसिपेटेड एनर्जी कंज्यूम, किस किस तरीके से, ये सारा चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़ हाउ इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द EEE सब्जेक्ट, एंड आई एंड टूडे एंड विल स्टार्ट एज सुन एज द वर्ड गो। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द EEE। थैंक यू।